नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। नीतीश के दिल्ली जाते लालू प्रसाद यादव के लिए अच्छी खबर आ चुकी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट से लालू प्रसाद यादव को बड़ी राहत मिली है। क्या कुछ मामला है और क्यों लालू प्रसाद यादव को बड़ी राहत मिली है, ये बातें हम आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर लालू प्रसाद यादव से जुड़ी हुई आ रही है, उसमें सुप्रीम कोर्ट में बेनामी संपत्ति लेन देन निषेध अधिनियम 1988 धारा 3(2) को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले से बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार को राहत मिली है। दरअसल आयकर विभाग ने उनकी अरबों की संपत्ति की करीब एक दर्जन संपत्ति को जब्त नहीं कर सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने बेनामी संपत्ति लेन देन अधिनियम 1988 की धारा 3(2) को असंवैधानिक घोषित कर दिया है और जिसके बाद लालू प्रसाद यादव की कई प्रॉपर्टी सरकार नहीं ले सकती है। आयकर विभाग उनकी अरबों की जो एक दर्जन से अधिक संपत्ति है उसको जब्त नहीं कर सकती। हालांकि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी इन संपत्तियों को जब्त किया है। इस मामले पर कार्रवाई पर कोई असर नहीं होगा। ईडी ने 18-19 में PMLA कानून के अंतर्गत लालू प्रसाद यादव की पटना दिल्ली तक एक दर्जन से अधिक प्रॉपर्टी को जब्त किया है। बेनामी संपत्ति क्या है और क्यों इस पर लगातार सरकार छापेमारी कर रही है, वो बात हम आपको बता देते हैं। बेनामी संपत्ति वह संपत्ति है जिसकी कीमत किसी और को चुकाई हो लेकिन नाम किसी दूसरे के नाम पर हो, और इसको लेकर लगातार चर्चा चल रही है। शीर्ष अदालत ने इन कानून को जिन धाराओं में रद्द किया गया है उसमें 5 सितंबर 1988 से लेकर 25 अक्टूबर 2016 के बीच खरीदी गई बेनामी संपत्ति मामले में कार्रवाई नहीं होगी। 26 अक्टूबर 2016 से खरीदी गई बेनामी संपत्ति पर ही कानून के तहत कार्रवाई हो सकेगी। स्थिति से पहले खरीदी गई बेनामी संपत्ति पर एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं की जाएगी। और अब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और उनकी पत्नी राबड़ी देवी मीसा भारती आदि के नाम पर जो संपत्ति है वो इस दायरे से बाहर आ गई है। तो अब लालू प्रसाद यादव के लिए कहीं ना कहीं राहत बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने बेनामी संपत्ति कानून 2016 को लेकर जो आदेश दिया उसे लोगों को बहुत बड़ी राहत मिली है। पटना हाई कोर्ट के वकील ने भी इस बात पर हामी जताई है और कहा है कि कई लोगों को राहत मिलेगी। तो अब लालू प्रसाद यादव को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। लालू परिवार को बड़ी राहत, नीतीश के दिल्ली जाते लालू परिवार को बड़ी राहत मिल चुकी है और अब लालू प्रसाद यादव को बेनामी संपत्ति में जो लगातार घेरा जा रहा था वो कहीं ना कहीं नहीं घेर पाएंगे। लालू प्रसाद यादव ने उसके लिए अब काट निकाल दिया है। जो नए प्रावधान आए हैं उसमें लालू की संपत्ति उसके जद के अंदर नहीं आएगी और अब लालू प्रसाद यादव के लिए ये खबर फायदेमंद है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।